बहुत दिनों के बाद गुल्ली बुल्ली के शहर में आज एक मेला लगा है और यहाँ पहले से ही आलोक, स्काइलर, रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल आए हुए हैं और ये लोग गुल्ली बुल्ली, सोन और रॉड के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, सोन और रॉड अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं? कहीं उन लोगों ने हम लोगों से झूठ तो नहीं बोला कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं? ग्रीन क्रिमिनल की बात सुनते ही आलोक ग्रीन क्रिमिनल से कहता है, अरे ग्रीन क्रिमिनल, वो लोग बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। ये लोग इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि सामने से तो गुल्ली बुल्ली, सोन और रॉड जीप से इन लोगों की तरफ ही आ रहे हैं। मेले के पास आते ही गुल्ली गाड़ी को साइड में लगाता है। गुल्ली बुल्ली, सोन और रॉड मेले को देखकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये लोग मेले में घूमने के लिए आए हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली, सोन और रॉड गाड़ी से उतर कर इन लोगों के पास आते हैं। तभी आलोक इन लोगों से कहता है, अरे तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? गुल्ली कहता है, आलोक हम लोगों को कुछ काम था इसलिए हम लोगों को आने में देर हो गई, लेकिन अब वो सब छोड़ो, चलो अब हम लोग मेले के अंदर चलते हैं। और फिर ये लोग मेले के अंदर जाने लगते हैं। तभी हेलो नेवर इन लोगों से कहता है, रुको, तुम लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो, पहले तुम लोगों को टिकट लेना होगा। तभी सोन कहता है, लेकिन आज तो मेले का पहला दिन है और हम लोगों ने सुना है कि आज के दिन मेले में पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। हेलो नेवर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग बिना टिकट के अंदर जा सकते हो। इतना सुनते ही ये लोग मेले के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही ये लोग ट्रेन वाले झूले के पास रुकते हैं। गुल्ली कहता है, चलो सोन, इस ट्रेन वाले झूले पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं गुल्ली, मैं इस ट्रेन वाले झूले पर नहीं जाऊंगा, मुझे इसमें बहुत डर लगता है, कहीं ये ट्रेन चलते चलते पटरी से उतर गई तो पता नहीं हम लोग कितने दूर जाकर गिरेंगे। स्केरी टीचर कहती है, तुम लोग यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? इस डरपोक लड़के को यहीं छोड़कर चुपचाप ट्रेन में जाकर बैठ जाओ, लेकिन तुम में से सिर्फ 6 लोग ही इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। स्केरी टीचर की बात सुनते ही सोन बहुत गुस्सा हो जाता है और सोन कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी इस ट्रेन वाले झूले में बैठूंगा और तुम लोगों को दिखा दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। अगर इस ट्रेन में सिर्फ 6 लोग बैठ सकते हैं तो दोनों क्रिमिनलों को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, वो लोग हमारे आने के बाद ट्रेन में बैठ जाएंगे। मैंने सही कहा ना क्रिमिनल्स? हाँ हाँ ठीक है सोन। और फिर कुछ ही देर में ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और घूमने लगते हैं। और इधर रेड क्रिमिनल कहता है, चलो ग्रीन क्रिमिनल, तब तक हम लोग आगे घूमकर आते हैं। इतना कहने के बाद दोनों क्रिमिनल आगे जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों एक टावर वाले झूले के पास आकर रुकते हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे ग्रीन क्रिमिनल, ये क्या है, ये तो बहुत ऊंचा है, चलो इसके ऊपर जाकर देखते हैं। और फिर दोनों क्रिमिनल इस टावर के ऊपर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग उस टावर के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आते ही इन लोगों ने देखा कि यहाँ तो एक कुएं जैसा गड्ढा है जो कि बहुत गहरा है। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे यहाँ तो एक बड़ा सा गड्ढा है, क्या हम लोगों को यहाँ से कूदकर नीचे जाना होगा? ग्रीन क्रिमिनल कहता है, मैं यहाँ से नहीं कूदूंगा, मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम्हें कूदना है तो तुम कूद सकते हो, मैं तो यहाँ से वापस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। इतना कहने के बाद ग्रीन क्रिमिनल नीचे जाने लगता है और ग्रीन क्रिमिनल के पीछे पीछे रेड क्रिमिनल भी जाने लगता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल का तो पैर फिसल गया और उसके कारण ग्रीन क्रिमिनल भी गिर गया और ये लोग फिसलते हुए नीचे जाने लगे। अरे ये क्या, इन लोगों की टक्कर तो ग्रेनी से हो गई और ग्रेनी तो नीचे गिर गई। थोड़ी देर में जैसे ही दोनों क्रिमिनल उठते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ग्रेनी तो अभी तक नहीं उठी है। रेड क्रिमिनल कहता है, कहीं ग्रेनी उठ गई तो पता नहीं हमारा क्या हाल करेगी, इससे पहले कि ग्रेनी उठ जाए जल्दी भागो ग्रीन क्रिमिनल। इतना कहने के बाद दोनों क्रिमिनल यहाँ से भागने लगते हैं।
और इधर ये लोग ट्रेन वाले झूले से उतरकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर दोनों क्रिमिनल आ जाते हैं और ग्रीन क्रिमिनल कहता है, हम लोगों ने उस तरफ देख लिया है, उस तरफ कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग उस घोड़े वाले झूले के पास चलते हैं, बहुत मजा आएगा। इतना कहते ही ये लोग झूले की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग घोड़े वाले झूले के पास आते हैं। तभी बॉब इन लोगों से कहता है, अरे तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो, आज किसी भी झूले में झूलने के पैसे नहीं लगेंगे, अगर तुम लोगों को झूले में बैठना है तो जल्दी बैठो। और फिर ये लोग झूले में बैठ जाते हैं और झूला झूलने लगते हैं। थोड़ी देर में झूला झूलने के बाद ये लोग झूले से नीचे उतरते हैं। तभी सोन कहता है, अब हम लोग किस झूले में जाएंगे। गुल्ली कहता है, चलो अब हम लोग इस बड़े वाले झूले में चलते हैं। थोड़ी देर में ये लोग बड़े वाले झूले के पास आते हैं। तभी रॉड जेसन से कहता है, जेसन हम लोगों को इस झूले में झूलना है। जेसन कहता है, लेकिन एक आदमी के 50 रुपए लगेंगे। जेसन की बात सुनते ही ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रॉड कहता है, लेकिन आज तो मेले का पहला दिन है और आज किसी भी झूले में झूलने के पैसे नहीं लगेंगे, इसीलिए हम लोग तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देंगे। अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। आलोक जेसन से कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे जेसन, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहने के बाद आलोक जेसन की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में ये सारे लोग बड़े वाले झूले में बैठ जाते हैं। लेकिन ये लोग किसे देख रहे हैं? अरे क्या, ये तो जेसन है और जेसन तो नीचे गिरा हुआ है। लगता है आलोक ने जेसन को बहुत मारा है। जेसन के यहाँ से जाते ही झूला स्टार्ट हो जाता है और ये लोग झूला झूलने लगते हैं। और अब ये लोग झूला झूलकर अपने अपने घर चले जाएंगे और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे ऑन करना